टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जहरीली मिठाई खाने से 8 मासूम बच्चों सहित 13 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची के पैदा होने की खुशी में सलीम इदरीसी ने अपने मोहल्ले में मिठाई बांटी थी और मिठाई खाने के बाद एक छोटे बच्चों सहित 13 लोगों की तबीयत खराब होने लगी। मामला यूपी के गोंडा जनपद के नगर कोतवाली राजेंद्र नगर मोहल्ला के नौसहरा का बताया जा रहा है। जहरीली मिठाई खाने के बाद हालत बिगड़ते देख मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सभासद अब्दुल रहमान ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि मिठाई चौक बाजार से एक दुकान से खरीदी गई थी और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फूड विभाग क्या कर रहा है। क्या कभी इन दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों की फूड विभाग के अधिकारियों ने कभी जांच की है? किस तरह से जहरीली मिठाई खाने के बाद 13 लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। मिठाई खरीदने वाले सलीम इदरीसी और फूड विभाग के अधिकारी HM त्रिपाठी ने इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। मैं एक मिठाई की दुकान से लगभग 6 किलो लड्डू लेकर आया था। मेरी बहन को लड़की हुई थी, इसलिए उस खुशी में बांटने के लिए लेकर आया था। तो वही खाने से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। इसके यहाँ से लाए थे आप? नाम तो उनका वाहिदुल्ला बताया जा रहा है, हमको ठीक तरह से पता नहीं है। दुकान मरकज मस्जिद के नीचे तरफ है। कितने बजे आप लेकर आए थे? यही लगभग 5:30-6 बजे के करीब। उसके बाद क्या, फिर 2-2.5 घंटे बाद लोगों को असर शुरू हो गया, उल्टी जुलाब चालू हो गई। कितने लोग होंगे लगभग? मेरे ख्याल से 30-35 लोग होंगे सब मिला के। परिवार के हैं? नहीं, सब एक ही परिवार के नहीं, अलग अलग परिवार के हैं, मगर है। आपके द्वारा बांटा गया था? हाँ, मैंने ही बांटा था। मिठाई की दुकानों की लगातार चेकिंग होती रहती है। अभी होली अभियान हुआ था, हमने बहुत ढेर सारी मिठाई की दुकानों से शहर की सैंपल भर के भेजे थे। बाकी हमारी टीम हर जगह समझाती रहती है, देखती रहती है, जहाँ भी गड़बड़ है तुरंत उसका जो मुकदमा किया जाता है, नोटिस काटी जाती है उसको, और उसको सुधरवाया जाता है। कितने लोग जेल में गए आपके द्वारा? अभी तक गोंडा में जो है इस समय तो 300 के ऊपर मुकदमे दुकानदारों पर है, जो कि केस में अभी 5 केस इसी महीने फाइनल हुए हैं, जो कि हमेशा मेरा विभाग कार्रवाई करता रहता है। और ऐसे लोग जो जगह जगह पे छप्पे छप्पे पे दुकानों पे ऐसे जो दुकानें हैं जिस पर ना बोर्ड है ना कोई मानक है ना कोई सिस्टम, इन पे क्या करोगे आप? नहीं, जो हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम दुकानों का लाइसेंस बनाया जाए, जिससे लाइसेंस बनाने के बाद हमारी निगाह में आ जाते हैं। इसमें गोंडा में 4,500 दुकानों के लाइसेंस हैं और हम लोग जो है बारी बारी से देख के जहाँ भी ज्यादा जरूरत होती कार्रवाई करते रहते हैं। अभी दुकान अभी फिलहाल बंद है, अभी जब ये दुकान को हम लोग जा रहे हैं चेकिंग करने, अब वो दुकान फिर देखते हैं, फिर जो भी कमी होगी आगे कार्रवाई की जाएगी।